हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CSE ट्यूटोरियल्स। सो वेब डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज़ में यहाँ पर हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो वेब डेवलपमेंट कंप्लीट वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ है उसकी वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप को यूज करना सीखा था। हमने इतना देखा था कि बूटस्ट्रैप को कैसे हम यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हमने देखा था। और मैंने बोला था कि हम बूटस्ट्रैप को ऑफलाइन यहाँ पे यूज करेंगे। सो यूज करना हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। हमने इस तरीके से यहाँ पे बूटस्ट्रैप की कुछ फाइल्स थी उनको हमने लिंक किया था, यहाँ पे बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया था। इस फोल्डर में जो बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं वो डाउनलोड किया, उनको लिंक किया और फाइनली हमने यहाँ पे एक बटन बना के भी देखा था जो कि बूटस्ट्रैप के द्वारा बनाया था। सो उसको हमने यहाँ पे देखा था कि ये यहाँ पे सक्सेसफुली रन कर रहा है, मतलब कि बूटस्ट्रैप यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो इतना हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अब हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो कि मेनली काम आती हैं, वही चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बूटस्ट्रैप है उसको बहुत ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी याद रखने को नहीं है। मैं कहूँगा कि इसमें आपको कुछ याद रखने को नहीं है। बूटस्ट्रैप जैसे आपको लेट से एग्जांपल लेंगे, बूटस्ट्रैप में आपको फॉर्म बनाना है तो आपको जस्ट गूगल ओपन करना है, उसमें टाइप करना है फॉर्म्स इन बूटस्ट्रैप या बूटस्ट्रैप फॉर्म्स। वहाँ पर जाइए, वहाँ सारा कोड आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बूटस्ट्रैप इवन पूरे वेब डेवलपमेंट में आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ गूगल, एवरीथिंग इज़ ऑन गूगल। आपको जस्ट क्या करना है, वहाँ पर सर्च करना है, उसको आपको चीज़ों को अप्लाई करना आना चाहिए कि उनको कैसे, कहाँ और कब अप्लाई करना है, दैट्स इट। और आपको कुछ भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इसी तरीके से बूटस्ट्रैप को भी यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फॉर्म्स चाहिए तो सर्च कीजिए फॉर्म्स इन बूटस्ट्रैप, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोड आ जाएगा। और आपको टेबल्स क्रिएट करनी है बूटस्ट्रैप का यूज़ करके, सर्च कीजिए टेबल इन बूटस्ट्रैप। इसी तरीके से आप यहाँ पे, मैं आपको बताऊँगा अभी किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं कुछ चीज़ें हैं उनको यहाँ पे आपको पहले करके बताता हूँ। मैं खुद से कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम क्या होता है, बूटस्ट्रैप में यहाँ पे फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, और ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा। फिर एट द एंड ऑफ मैं आपको बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप को आप कैसे, कुछ भी जो भी आपको बूटस्ट्रैप में क्रिएट करना है जैसे गूगल पे क्रिएट करके किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप के बिल्कुल स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन तो हमने लास्ट में देख लिया था पहले वाले वीडियो में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो बूटस्ट्रैप का बेसिक ग्रिड सिस्टम है। ग्रिड सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली बूटस्ट्रैप में क्या है कि जो हमारी ये कंप्लीट स्क्रीन है, कह सकते हैं ये कंप्लीट स्क्रीन है हमारी, ठीक है, इसको 12 कॉलम्स में डिवाइड करता है बूटस्ट्रैप, जिसको बोलते हैं ग्रिड्स, और इसी को बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। बूटस्ट्रैप जो कंप्लीट स्क्रीन को 12 कॉलम्स में यहाँ पे इक्वल साइज की 12 कॉलम्स में यहाँ पे डिवाइड करता है। अब इसके लिए क्या है, बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप इज ऑल अबाउट क्लासेस। बूटस्ट्रैप में बनी बनाई क्लासेज हैं वो आपको यूज करना है। जैसे इस बटन के लिए हमने क्या बटन क्रिएट किया है, तो हमने यहाँ पे बटन की क्लास यूज की BTN, और हमें उसको जो कलर है ग्रीन कलर का जो भी है वो हमें यूज करना है, उस टाइप कलर का बटन बनाना है, तो हमने इसके लिए अलग क्लास यूज की थी बटन BTN सक्सेस। मतलब कि बूटस्ट्रैप क्लासेज का खेल है कंप्लीट, आपको क्लासेज बनी बनाई मिलती है उनको आपको यूज कर लेना है, दैट्स इट, है ना। सो अब ग्रिड सिस्टम है इसके लिए भी यहाँ पर 4 क्लासेज बनाई गई हैं। मैं इसको बटन को तो यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम है, जो हम बात कर रहे हैं कि स्क्रीन को 11 साइज के कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है बूटस्ट्रैप में। सो अब यहाँ पर इनके लिए अलग अलग क्लासेज बनी होती हैं, जैसे मेनली 4 क्लासेज हैं। पहला है लार्ज, जो भी लार्ज क्लासेज हैं इसमें क्या करता है कि जो लार्ज है जिसके लिए क्लास यूज करते हैं हम LG, सो ये बेसिकली इस जो लैपटॉप और डेस्कटॉप स्क्रीन्स हैं उनके लिए यहाँ पे यूज होती हैं, जो कि बेसिकली 1200 पिक्सल से बड़ी या इक्वल होती है उनके लिए LG यूज करते हैं। MD मतलब कि मीडियम, जो कि स्मॉल लैपटॉप या फिर स्क्रीन्स जो कि इक्वल और ग्रेटर देन
992 मतलब कि 999 पिक्सल्स हैं उनके इक्वल या उनसे बड़ी हैं स्क्रीन्स उनके लिए यहाँ पर हम MD यूज़ करते हैं। SM मतलब कि स्मॉल मतलब कि टैबलेट स्क्रीन है, टैबलेट साइज़ की स्क्रीन्स हैं उनके लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जो कि इक्वल और ग्रेटर देन 768 है उस पिक्सल्स की स्क्रीन्स के लिए हम SM यूज़ करते हैं। और XM मतलब कि एक्स्ट्रा स्मॉल है, जो बेसिकली हम 768 पिक्सल्स हैं उनसे कम पिक्सल्स की स्क्रीन के लिए हम SX यूज़ करते हैं। तो ये अभी आपको बोलने से नहीं समझ आ रहा होगा ये मैं क्या बता रहा हूँ, बट मैं आपको अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली करके बताते हैं। हम जो स्क्रीन्स है हमने उसको 12 ग्रिड सिस्टम में बनाया, तो हर ग्रिड सिस्टम के लिए बेसिकली क्लासेज हैं जो मैंने आपको बताई थी, चार क्लासेज थी मैंने, LG, MD, SM और XM। LG मतलब कि लार्ज के लिए, MD मीडियम के लिए, SM स्मॉल के लिए और XM मतलब कि एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। सो अब इनको मैं यूज़ करके आपको यहाँ पे बताऊँगा, एक क्लास को यूज़ करके बताऊँगा, इसी तरीके से आप अपनी नीड के हिसाब से सारी क्लासेज को यूज कर सकते हैं। राइट सो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ग्रिड सिस्टम है स्क्रीन को हमने बोला कि 12 कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है, तो कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है तो इसके लिए सबसे पहले रो तो होनी चाहिए, रो में ही तो कॉलम बनेंगे एक तरीके से। तो अब हमें जैसे यहाँ पे सपोज कि हमारे जो कॉलम्स हैं 12 कॉलम्स हैं, तो 12 कॉलम्स में ये डिवाइड होता है, 12 ग्रिड्स में डिवाइड होता है। हम जितनी भी साइज़ के कॉलम्स बनाना चाहें वो यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे हम 12 को चार चार की साइज़ में बना सकते हैं, मतलब कि 3 कॉलम बना सकते हैं, हम 12 का एक साइज़ का ब्लॉक बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, या फिर हम छः छः साइज़ के दो ब्लॉक बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास 12 कॉलम्स हैं, अब उनको आप किस साइज़ के आपकी अकॉर्डिंग के हिसाब से बना सकते हो, या तो चार चार के तीन बना सकते हो, छः छः के दो बना सकते हो, 12 का एक ब्लॉक बना सकते हो, एक कॉलम बना सकते हो, या तीन तीन के चार कॉलम्स बना सकते हो, दो दो के छः कॉलम्स बना सकते हो। मतलब कि 12 को आपको डिवाइड करना है, किस तरीके से आप की रिक्वायरमेंट है वैसे आप यहाँ पे ब्लॉक्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको चार चार के तीन ब्लॉक्स बना के बताता हूँ, तीन कॉलम बना के बताता हूँ, मतलब कि हमारी जो स्क्रीन है इसको हम तीन कॉलम्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डिव टैग यूज़ करना है और डिव टैग यूज़ करना है, इसकी क्लास यहाँ पे यूज़ करनी है रो। अब क्लास का यहाँ पे खेल रहेगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप समझ रहे हैं, बूटस्ट्रैप में सारा क्लास होता है। सो डिव टैग बनाया, उसकी क्लास हमने यहाँ पे रो दे दी, मतलब कि एक रो बन चुकी है। अब रो के अंदर हमें कॉलम्स बनाने हैं, तो यहाँ पे अगेन मैं फिर से डिव बनाऊँगा और डिव बनाऊँगा, तो अब की बार हमें कॉलम बनाना है, तो इसकी क्लास क्या होगी यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे समझना है। कॉल क्लास होगी, कॉल कॉलम। अगर हमें स्मॉल बनाना है तो हम यहाँ पे SM लिखेंगे, स्मॉल स्क्रीन के लिए बनाना है तो, मीडियम के लिए बनाना है तो MD लिखेंगे, MD लिख सकता हूँ मैं। ठीक है और यहाँ पे चार चार के आपको तीन ब्लॉक बनाने हैं तो यहाँ पे आपको चार लिखना है, अगर आपको दो दो के या छः छः के दो ब्लॉक बनाने हैं तो यहाँ पे सिक्स लिखना है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। ये पूरी क्लास हो जाएगी कॉल MD सिक्स, अगर मैं छः छः के दो ब्लॉक बनाना चाहता हूँ तो। अगर मैं चार चार के तीन ब्लॉक बनाऊँगा तो क्लास क्या हो जाएगी, कॉल MD टू, सॉरी MD फोर। अगर मैं टू टू के सिक्स ब्लॉक बनाना चाहता हूँ तो कॉल MD टू। इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम की जो क्लास है वो दे सकते हैं। तो अभी हमें चार चार कॉलम, चार चार की साइज़ के तीन कॉलम्स बनाने, तो एक क्लास हो गई यहाँ पे कॉल MD फोर, तो एक ये कॉलम हो चुका है। अब इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे दो तीन बनानी है तो एक इसी को मैं पेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से चार चार की तीन कॉलम हमने बना लिया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रो बनाई, उसके अंदर हमने तीन ब्लॉक बनाए, तीन कॉलम बनाए चार चार की साइज़ के, क्योंकि हमने 12 को चार चार में डिवाइड कर दिया है। अब इनके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे पहला कॉलम है उसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं, लेट्स से दिस इज कॉलम वन, लेट्स से, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज कॉलम टू और दिस इज कॉलम थ्री। इस तरीके से यहाँ पे मैं थ्री और टू भी लिख सकता हूँ, मतलब कि अब उन कॉलम्स में हम कुछ भी दिखा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी हम ये बना, एक बार कॉलम बनाना सीखे हैं, कॉलम के अंदर आपको क्या लिखना है वो सब कुछ आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सो अब मैं इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश करके आपको इसको बताता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये यहाँ पे पूरी स्क्रीन है जो आपके यहाँ पे 12 कॉलम्स में डिवाइड होती है। तो हमने चार चार के यहाँ पे तीन कॉलम्स बना दिए, ये कॉलम वन है, पूरा बड़ा कॉलम है यहाँ तक, लेट्स से ये 12 कॉलम दूसरा है, ये कॉलम तीसरा है। तो अब आप इन कॉलम्स में क्या यहाँ पे बनाना दिखाना चाहते हो वो इस तरीके से यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ऑलराइट अब यहाँ पे ये तो हो गए इक्वल साइज़ के, जैसे चार चार के हमने तीन बना लिए, दो दो के अगर हमें लेट्स से छः छः के दो ब्लॉक बनाने हैं तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, सिक्स लिखता और यहाँ पर भी मैं सिक्स लिखता,
और इसको मैं रिमूव कर देता। लेट से अगर मुझे दो ही ब्लॉग बनाने हैं तो इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ, 6-6 के दो ब्लॉग बन गए, मतलब कि हम अभी इक्वल साइज की बात कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये कॉलम 1 है यहाँ तक और ये कॉलम 2 हो जाएगा इधर, तो ये हमने इक्वल साइज के बनाए। इसी तरीके से हम अनइक्वल साइज के भी ब्लॉग बना सकते हैं। जैसे आपको 12 को डिवाइड करना है, जैसे आपने 6 का एक बना दिया और अब बचा 6, तो लेट से इसको बना दो 4 साइज का और इसको बना दो 2 साइज का, तो टोटल क्या हो गया 6 और 4 10 और 2 बार ही हुआ। तो हमने मतलब कि अनइक्वल साइज़ का भी हम बना सकते हैं, 1 6 का बना सकते हैं बड़ा ब्लॉक कॉलम, दूसरा 4 साइज़ का बना सकते हैं, तीसरा 2 साइज़ का बना सकते हैं। तो अब इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम बन चुके हैं, इनकी साइज़ अलग अलग है, ये 6 का है, ये 4 का है, ये 2 का है। तो इस तरीके से आप इनको इक्वल साइज़ या अनइक्वल साइज़ में भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे, देखेंगे कि ये सारा कॉलम का पार्ट है। जैसे इसमें मैं कुछ बड़ा टेक्स्ट डाल देता हूँ और इस तरीके से मैं लेट से इसमें भी मैं कुछ बड़ा टेक्स्ट डाल देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये कॉलम्स हैं। अभी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा होगा कि ये कॉलम्स में डिवाइड हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम्स हैं बेसिकली। अब ये देख सकते हैं बड़ा कॉलम क्योंकि 6 साइज़ का बना है, ये 4 साइज़ का है और ये 2 साइज़ का है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनको कॉलम्स में हमने डिवाइड कर दिया है, ये स्क्रीन को हमने बेसिकली यहाँ पे कॉलम्स में डिवाइड किया है। तो इनको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम, ये यहाँ पे बेसिकली क्या है, ग्रिड है, इसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। तो अब यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कई बार हम चाहते हैं कि इस कॉलम में कुछ अलग दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इस कॉलम में कुछ और दिखाना चाहता हूँ, तो इस तरह से कॉलम्स बना सकते हैं। तो आप बूट स्ट्रैप का यूज़ करके इजीली यहाँ पे अच्छे से कॉलम्स यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें आगे बटन्स के बारे में, बात करते हैं, इसको मैं यहाँ पर रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ अभी है नहीं मेरे हिसाब से। तो इसको मैं फिर से यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ पूरे को, बॉडी वाले पार्ट को, है ना। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं बटन्स के बारे में, बटन्स हमें समझने हैं। तो अब बटन्स के लिए भी क्या होगा, बटन्स के लिए भी क्लास होती है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बनाया था एक बटन बनाया था। सो अब यहाँ पर बटन्स के लिए भी बटन स्मॉल होता है, बटन लार्ज होता है और बटन एक एक्स्ट्रा स्मॉल हो सकता है, इनके लिए अलग क्लास हो जाएगी। लार्ज बटन के लिए क्या क्लास हो जाएगी, BTN LG, और अगर हमें स्मॉल बटन बनाना है तो क्लास हो जाएगी BTN SM, अगर हमें एक्स्ट्रा स्मॉल बटन बनाना है तो BTN XXL। तो ये क्लासेज होती हैं, XX है ना, तो ये हमारी क्लास होती है एक्स्ट्रा स्मॉल। तो इस तरीके से इनका यूज़ करके हम यहाँ पे बटन्स बना सकते हैं। अब बटन्स कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे मैं सिंपल यहाँ पे बटन लिखूँगा, बटन, ये बटन टैग ओपन किया और क्लोज किया। अब इसकी टाइप तो बटन ही होगा, टाइप बटन हो जाएगा, नेम बटन, ये सब चीज़ों से अभी मतलब नहीं है। यहाँ पे मेन चीज़ है हमें क्या करना है, क्लास। अभी मैं इसको इतना लिख के सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हम देखेंगे यहाँ पे एक बटन तो बन चुका है, छोटा सा बटन यहाँ पे बन चुका है। बट अब ये बटन यहाँ पे मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, लेट से बटन, ठीक है। तो अब ये बटन यहाँ पे बन चुका है, मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं बटन तो बन चुका है, बट एक नॉर्मल बटन है जिसमें कोई बूटस्ट्रैप का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि बूटस्ट्रैप अभी हमने यूज ही नहीं किया। अगर बूटस्ट्रैप में बटन बनाना है तो आप यहाँ पे क्लास अप्लाई करेंगे, क्लास। अब क्लास कौन सी है, जैसे अलग अलग बटन्स होते हैं, जैसे BTN मैंने बना दिया यहाँ पे, इतना सा मैं लिखूँगा और इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये बटन बन चुका है बूटस्ट्रैप में। अब ये एक नॉर्मल बटन है, आपको अगर यहाँ पे इसकी कलर वगैरह भी चेंज करना है तो फिर यहाँ पे अलग बटन होते हैं, जैसे BTN, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बनाया था सक्सेस, ये एक अलग कलर का बटन हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे आप अलग अलग बटन बना सकते हैं, इसको मैं कॉपी करके और पेस्ट करके आपको मैं कुछ अलग अलग बटन्स यहाँ पे मैं क्रिएट करके बता देता हूँ। जैसे बूटस्ट्रैप में बेसिकली यहाँ पे कई तरीके के जो प्री डिफाइंड होते हैं पहले से होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया सक्सेस, अब जैसे आपको दूसरा बटन बनाना है तो एक 5-6 फिक्स कलर होते हैं, जैसे डेंजर है, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी है, ओके, और यहाँ पे होता है इन्फो भी होता है, जो मुझे जो कुछ याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्फो है और अलर्ट है, सॉरी अलर्ट नहीं होता, ठीक है, ये इतने ही मुझे याद आ रहे हैं अभी। सो अब मैं क्या करता हूँ आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसको सेव किया और मैंने इनको रिफ्रेश किया,
तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको अलग अलग बटन्स यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। इसका कलर ये है, सक्सेस है, डेंजर है, ठीक है, प्राइमरी है, इन्फो है, ये नाम है बेसिकली। तो इस तरीके से आप बटन बना सकते हैं। अभी ये सारे बटन हैं जो देख सकते हैं इक्वल साइज़ के हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लास क्या यूज़ किए, BTA। अब हमें लेट से किसी बटन को छोटा बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, BTN, सॉरी बड़ा बटन बनाना है तो मैं क्लास क्या लगा दूँगा यहाँ पे, BTN LG। तो LG मतलब कि लार्ज बटन चाहिए, तो हम यहाँ पे LG कर देंगे उसको। तो देख सकते हैं ये बटन लार्ज हो चुका है। इसी तरीके से ये बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल होता है ना। अब आपको किसी को एक्स्ट्रा स्मॉल करना है तो यहाँ पे आप क्लास लगा देंगे BTN XX, मतलब कि एक्स्ट्रा स्मॉल। इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन है जो एक्स्ट्रा स्मॉल बन चुका है। तो ये जो मीडियम साइज़ जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है, आप एक्स्ट्रा स्मॉल करना है तो XL लगा सकते हैं, लार्ज बनाना है तो LG लगा सकते हैं इस बटन के आगे। ये तो बटन सिंपल क्लास है जो डिफ़ॉल्ट है, अगर इसके आगे आप बटन XX लगा सकते हैं, BTN LG लगा सकते हैं। आपको कलर बनाना है अलग अलग, यहाँ पे BTN सक्सेस हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा, प्राइमरी है, इन्फो है, ठीक है, ये कुछ प्री डिफाइंड कलर्स हैं। तो आपको कैसे इनको अप्लाई करना है, मैंने बताया था कि आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सब कुछ तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जैसे लेट से कि आपको यहाँ पर बटन सी आपको यहाँ पे समझने, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे बटन समझने, तो मैं सबसे पहले सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया हुआ है। ऑलराइट, सो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे मुझे बटन्स बनाने हैं बूटस्ट्रैप में, लेट से तो मैं सिंपल सर्च करूँगा बटन इन बूटस्ट्रैप। ऑलराइट, बटन सीन बूट स्टैप, और मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर जो कुछ लिंक्स ओपन होंगी, आप कोई सी को भी ओपन कर सकते हो, जैसे कुछ फेमस हैं। पहला तो बूट स्टैप पर ओपन हो जाएगा bootstrap.com, और मैं इसी को यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। www.school.com है, कई साइट्स हैं, तो आप यहाँ पर bootstrap.com को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर बटन से रिलेटेड जो भी सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी कंप्लीट विद कोड यहाँ पर आपको बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल्स है, देख सकते हैं ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी है, ये सक्सेस हो गया, ये डेंजर है, ये वार्निंग है, ये इन्फो है, लाइट है, डार्क है, लिंक है। लिंक मतलब कि ये लिंक वाला बटन है। तो इस तरीके से आप इतने सारे बटन्स के टाइप पे देख सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने बनाया था प्राइमरी वाला, तो क्लास क्या हो गई इसकी, BTN BTN प्राइमरी। डार्क बनाना है इस तरीके का बटन, तो आपको क्या करना है, ये वाली लाइन हो जाएगी BTN BTN डार्क। लाइट बनाना है इस तरीके का लाइट बटन, तो इसका BTN BTN लाइट हो जाएगा। तो ये सारा सब कुछ तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन भी है कॉपी कंप्लीट, इसको कॉपी किया और लेट से मैं यहाँ पे इसको इनकी जगह लेट से मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैंने सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे बटन्स बन चुके हैं, आपको जो भी बटन यूज़ करना है उसको यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा कोड यहाँ पे देख सकते हैं। आप और नीचे पढ़ेंगे तो बटन्स भी आप देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के बटन्स हैं, इनपुट बटन, इनपुट, सबमिट, रिसेट, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके के बटन्स हैं जिनको बोलते हैं आउटलाइन बटन, मतलब कि इनके ऊपर लाइन है, इन पे जस्ट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फिल हो जाते हैं, ये आउटलाइन बटन है। तो इनके लिए क्या अलग हो जाएगा, BTN, यहाँ पे BTN आउटलाइन, क्लास सिर्फ क्लास चेंज होती है बस, और कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लास चेंज हो जाती है। तो BTN BTN आउटलाइन हो जाएगा, यहाँ पे BTN आउटलाइन लगा देंगे इन सबके सामने। तो इस तरह से आउटलाइन बटन आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे बटन से इस तरीके से आप बटन बना सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेट से आपको बटन बनाना है डेंजर या वार्निंग कलर का, और जो आउटलाइन बटन बनाना है तो इस लाइन को कॉपी कर लीजिए आप। और कॉपी क्या करना है, सिंपल चीज़ है, बट कहने का मतलब मैं इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप वो मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको बटन को पेस्ट करके कोड को और मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे वार्निंग का ये बटन था, बट ये आउटलाइन बटन नहीं था, ये आउटलाइन बटन है, देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ ही फील होगा। तो काफ़ी अच्छे बटन आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप में बना सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लास अप्लाई करनी होती है। तो इस तरीके से आप बटन से आप बना सकते हैं, और भी डिटेल में आप देख सकते हैं बटन की साइज़, जैसे मैंने बताया था आपको SM है, लार्ज है, ये साइज़ होते हैं, स्मॉल बटन है, लार्ज बटन है, ये ब्लॉक लेवल के बटन है, कंप्लीट ब्लॉक मतलब कि कोई कॉलम है उस फुल कॉलम का बटन बनाना है तो आपको यहाँ पे क्लास क्या हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं BTN ब्लॉक, एक एक्स्ट्रा ये चीज़ और ऐड कर देंगे BTN ब्लॉक, तो पूरे ब्लॉक मतलब कि जो ब्लॉक की साइज़ है उस फुल साइज़ का बटन आपको बन जाएगा। ऐसे बड़े बटन बना दें तो BTN ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट आप किसी बटन को आप डिसेबल करना चाहते हैं, देख सकते हैं ये बटन डिसेबल बटन है, मतलब इन पर क्लिक नहीं होगा, तो डिसेबल करना है तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो ये डिसेबल देख सकते हैं, यहाँ पे डिसेबल लगा देना है। मतलब सब कुछ आपको ऑलरेडी गिवन है,
कुछ भी बूटस्ट्रैप में बनाने लायक नहीं है। मैं नहीं समझता कि बूटस्ट्रैप पे ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, सो उनमें क्या है बनाने का। आपको ये समझाना चाहिए कि बस कैसे इसको अप्लाई करना है, और सब कुछ तो नेट पे अवेलेबल है। सो मैं ही वो आपको वही बताऊंगा जो ज़रूरी है आपके लिए। बस मतलब सारी चीज़ें तो आप, मैं बताने से क्या मतलब है, सारी चीज़ें बताऊँगा जो तो ऑलरेडी आपको अवेलेबल है नेट पे। आपको सिंपल ओपन कीजिए, इसको यूज़ कीजिए। अब मैं बटन्स को, सारे बटन्स को बना बना के बताऊँ उसका क्या मतलब है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए। आपको एक पूरा ब्लॉक का बटन चाहिए तो इस तरीके से इस कोड को देख सकते हैं। आपको डिसेबल चाहिए बटन तो डिसेबल इस तरीके से कर सकते हैं। कंप्लीट बटन से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब इस तरीके से सपोज आपको यहाँ पे कैरोसेल जो भी आप देख सकते हैं, बैनर्स वगैरह चलते रहते हैं वो बनाने थे, उधर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कैरोसेल। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बैनर्स वगैरह बनाते हैं ना, जिनको कैरोसेल बोलते हैं, तो ये यहाँ पे बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन देख सकते हैं, ये यहाँ पे बना सकते हैं। मैं इस पर क्लिक नहीं हुआ आई थिंक, सो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैरोसेल आ गए। अभी बूट स्टेप में कैसे बना सकते हैं आप देख सकते हैं, सब बने बना है, सबका पूरा कंप्लीट कोड है यहाँ पे देख सकते हैं। ये नॉर्मल है, सिंपल स्लाइड चलती रहेंगी यहाँ पे देख सकते हैं, बटन्स के साथ स्लाइड चलती रहेंगी, फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड इस तरीके से। ये कैसे कैरोसेल बनाते हैं, सिंपल आपको कोड पूरा गिवन है, कॉपी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे कुछ आपको स्लाइड कुछ लिखना है इस तरीके से, तो इस तरीके से आप बटन कितने अच्छे बैनर्स वगैरह स्लाइड्स कैरोसेल आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो सारी चीज़ें आपको गिवन है। आपको फॉर्म्स पढ़ना है तो आप बूटस्ट्रैप में सर्च कीजिए यहाँ पे फॉर्म्स, या यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म्स भी गिवन है। आपको सिंपल सर्च करना है फॉर्म इन बूटस्ट्रैप, ये देख लीजिए यहाँ पे वही ओपन हो जाएगा bootstrap.com। इसको ओपन करिए और यहाँ पे फॉर्म से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं गिवन हो जाएगी। किस तरीके का आपका फॉर्म बनाना है, इस तरीके का फॉर्म बनाना है, कोड गिवन है पूरा विद एग्जांपल, इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जो भी आपको नीड है देख सकते हैं। इनपुट बॉक्स कैसे बनाते हैं यहाँ पे, ऐसे टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हैं, सेलेक्ट कैसे सेलेक्ट बॉक्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं यहाँ पे, चूज फाइल के लिए बटन बनाना है, बटन्स की जो ये बनाने यहाँ पे आपको इनपुट बॉक्स वगैरह बनाने, इनकी साइज़ क्या करनी है, सारा कुछ गिवन है। पूरी खेल क्लास का है देख सकते हैं, इनपुट बॉक्स नॉर्मल है, बस यहाँ पे क्लास बदल जाएगी। तो जैसे ही क्लास अप्लाई करेंगे बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स बना सकते हैं आप देख सकते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, तो इस तरीके से सारा कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है बूटस्ट्रैप में। मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, मैं आपको फॉर्म्स और क्रिएट करके बता देता हूँ इस तरीके से, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। हम एग्जांपल्स आगे क्रिएट करेंगे, आगे हम थोड़ा सा और पढ़ने के बाद अब मैं वेबसाइट्स आपको बनवाना सिखाऊंगा, एक एक पेज बनाना सिखाएंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, वहाँ पे रिपीट हो जाएगा। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे साइट बनानी है, तो उसमें इनको हमें फॉर्म बनाना, सबमिट फॉर्म बनाना होता है, ठीक है, यूजर फॉर्म वगैरह, लॉगिन फॉर्म वगैरह, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह, तो उन सब में हम बार बार फॉर्म बनाएंगे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे रिपीट हो जाएंगी। आप खुद से बना के देखिए, ट्राई कीजिए। सपोज अब मुझे फॉर्म बनाना है, मैं आपको चलो फॉर्म बना के बताता हूँ। यहाँ पे आपको लॉगिन फॉर्म बनाना है, लॉगिन फॉर्म के लिए क्या ज़रूरत है, ईमेल और पासवर्ड ज़रूरत है। ये कोड हो जाएगा यहाँ पे, इसको कॉपी कीजिए पूरे को और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। मैं नहीं बोल रहा कॉपी पेस्ट ही कीजिए, हाँ आपको समझना ज़रूरी है। बस एक बार आप समझ जाएंगे तो आप आराम से किसी भी कोड को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेव किया और मैंने ये रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सुंदर ये फॉर्म बन चुका है। ठीक है, ये पूरा बॉक्स, पूरे इनपुट मतलब पूरे बॉक्स को कवर कर रहे हैं तरीके से, इनको आप छोटा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से अब इसमें क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे काम की चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आपको यहाँ पे फॉर्म टैग तो बनानी है। फॉर्म टैग ओपन हुआ, फॉर्म टैग यहाँ पे क्लोज हुआ। चलो यहाँ पे मैं आपको पूरा शुरू से बना के बता देता हूँ थोड़ा सा, वरना फिर आप बोलोगे क्या कॉपी पेस्ट ही करके, कॉपी पेस्ट तो हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार खुद से बना के बता देता हूँ, फॉर्म्स वगैरह बता देता हूँ, फिर बाकी काम खुद से यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो अब बूटस्ट्रैप में फॉर्म बनाना है, आपको क्या करना है, सबसे हम लॉगिन फॉर्म बनाते हैं सिंपल सा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म क्लास, फॉर्म टैग यूज़ करना है। इन सब को छोड़ देते हैं, ये बाद की चीज़ें हैं, अभी इनकी नीड नहीं है। आपको क्लास बनानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्म, सिंपल फॉर्म टैग बनाएंगे। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इनपुट बॉक्स बनाना है। लेट्स से यहाँ पे एक लॉगिन ईमेल आईडी के लिए बनाना है, एक पासवर्ड के लिए बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ड्यू टैग यूज़ करना है, और ड्यू टैग बनाएंगे तो फॉर्म ग्रुप, यहाँ पे कुछ क्लासेज हैं आपको ध्यान रखना है। अब मतलब कि एक ग्रुप है, एक इनपुट बॉक्स बनाना है, पूरा ग्रुप है, फॉर्म का ग्रुप है, तो फॉर्म ग्रुप यहाँ पे क्लास यूज होगी, फॉर्म ग्रुप। और उसके अंदर फिर यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, इनपुट बॉक्स, इनपुट। अब इनपुट में यहाँ पे इसकी क्लास क्या होगी, क्लास कंट्रोल, सॉरी फॉर्म कंट्रोल, ये फॉर्म की कंट्रोल्स हैं जिनके द्वारा फॉर्म बनता है, एक तरीके से फॉर्म एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्लास क्या हो जाएगी, फॉर्म कंट्रोल। सो अब मैंने इसको यहाँ पे सेव किया और मैं रिफ्रेश करके एक बार इतना देखता हूँ कि यहाँ पे आउटपुट क्या है।
देख सकते हैं एक इनपुट बॉक्स यहाँ पे बन चुका है ना। अब यहाँ पे इनपुट बॉक्स पूरा बन रहा है ना फुल साइज़ का। आप चाहते हैं कि यहाँ पे छोटा बने तो आप कॉलम्स में बना सकते हैं। जैसे ये फॉर्म बना रहा हूँ, अभी हमने कॉलम ग्रिड सिस्टम पढ़ा था, तो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर मैं ड्यू टैग बनाता हूँ और क्लास यहाँ पे रो लगा दूंगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ग्रिड सिस्टम पढ़ा था, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अगेन एक कॉलम बनाऊंगा और मैं यहाँ पे लेट से मैं क्या करूँगा, 6 कॉलम 12 ग्रिड सिस्टम में होता है, तो मैं क्या करूँगा लेट से 4 4 के 3 कॉलम बना लेता हूँ। लेट से यहाँ पे कॉल MD4 एक हो गया। इसी तरीके के मैं यहाँ पे 4 बना लेता हूँ, ठीक है, ये 4 मैंने बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बीच वाले में ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। मैं बीच वाले में यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ, ताकि आपको बीच वाले में यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। सो वो सेंटर में दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि ये 4 ग्रिड सिस्टम वन में डिवाइड कर दिया, 4 का इधर स्पेस हो जाएगा, 4 का इधर स्पेस हो जाएगा। बीच में दिखाने के लिए बीच वाले कॉलम में हम यहाँ पे फॉर्म बना सकते हैं। तो मैं बीच वाले कॉलम में यहाँ पे फॉर्म बनाऊंगा और है ना, इन सबको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनपुट बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फॉर्म ग्रुप बनाना है। तो ड्यू क्लास क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्म ग्रुप, ये फिक्स लिमिटेड चीज़ें हैं, एक बार आप समझ लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको इनपुट बॉक्स बनाना है, तो इनपुट बॉक्स के लिए क्लास क्या होगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमें क्या करना है, इनपुट बॉक्स बनाना है। इनपुट टाइप हो जाएगा टेक्स्ट, अगर ईमेल बनाना है तो ईमेल टाइप हो जाएगा। नेम वगैरह कुछ दे सकते हैं, ये बाद की चीज़ें हैं, मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ यहाँ पे ये जब हम PHP का यूज़ करेंगे तब ये चीज़ें काम पड़ेंगी। अभी हमने इनपुट बनाया, टाइप ईमेल हो गई, अब इसकी क्लास देनी है। तो क्लास क्या हो जाएगी इसकी, क्लास हो जाएगी फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि ये सारे फॉर्म के कंट्रोल्स हैं, फॉर्म कंट्रोल। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं सेंटर में यहाँ पे फॉर्म बन चुका है, ठीक है। बट ये अभी यहाँ पे CSS अप्लाई नहीं हुआ है इस पर, तो CSS क्यों अप्लाई नहीं हुआ वो भी हम देख लेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ BR टैग्स का यूज़ कर लेता हूँ, ताकि हमारा फॉर्म यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पे मैं H1 टैग का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लॉगिन फॉर्म। सेव किया और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हैं लॉगिन फॉर्म दिखाई दे रहा है और ये सेंटर में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने ये बाहर लिख दिया है ड्यू टैग के, इसीलिए वो सेंटर में नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इसको कट करूँगा और कट करने के बाद मैं इसको यहीं पे लिखूँगा, तो ये हमें सेंटर में दिखाई देगा। सो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हैं लॉगिन फॉर्म और इसके नीचे अब यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे। तो अभी इस पर CSS अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए सिंपल सा इनपुट बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो हमें इस पर CSS बूटस्ट्रैप अप्लाई करनी है। मैं इससे पहले इसको यहाँ पे H3 यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हेडिंग ज़्यादा बड़ी लग रही है मुझे। अब यहाँ पे देख सकते हैं डिव क्लास, सबसे पहले क्या हो जाएगा फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा फॉर्म कंट्रोल, कुछ स्पेलिंग गलत करी, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म लिख दिया है मैंने फॉर्म को, इसीलिए। तो ये क्या होगा, फॉर्म कंट्रोल होगा बेसिकली। मैं फॉर्म को फॉर्म बहुत लिखता हूँ, सो आपको यहाँ पे फॉर्म लिखना है ना कि फॉर्म। सेव किया और रिफ्रेश किया, तो देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया सा इनपुट बॉक्स बन चुका है। ये सी बूटस्ट्रैप का यूज़ करके बनाया है, क्योंकि देख सकते हैं इस पर इफेक्ट है, अच्छा बन रहा है। तो अब यहाँ पे इनपुट बॉक्स तो बना दिया हमने, इसी तरीके से अब ये क्या हुआ इनपुट बॉक्स, ये पूरा कॉड इनपुट बॉक्स का यहाँ तक का, ठीक है। अब आपको दूसरा इनपुट बॉक्स बनाना है पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। इसकी यही इनपुट बॉक्स बनाना है, फॉर्म कंट्रोल रहेगा सब कुछ, टाइप ईमेल की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा पासवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी टाइप पासवर्ड कर सकता हूँ, पासवर्ड, ठीक है। और नेम भी पासवर्ड हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बाद की हैं, इनको तो हम बाद में ही देखेंगे, समझेंगे क्या होते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड हो गया, मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ईमेल आईडी के लिए हो गया, ये पासवर्ड के लिए हो गया, देख सकते हैं इसमें पासवर्ड है इसका टाइप। तो अब हमने एक चीज़ और होगी कि यहाँ पे लिखा आना चाहिए कि ये ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, तो उनको बोलते हैं लेबल। तो लेबल भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे ये इनपुट बॉक्स है, इसके ऊपर हम चाहते हैं कि कुछ लिखा है कि ये ईमेल आईडी है, पासवर्ड है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो देखिए, कि जैसे ये हमने इनपुट बॉक्स तो बना लिए, बट यहाँ पे इनको बोलते हैं लेबल्स, ये लेबल है, ऊपर लिखा होना चाहिए कि ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ठीक है। इस तरीके के फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे लिखा रहता है कि एंटर ये ईमेल एड्रेस है, ठीक है। तो जिनको बोलते हैं लेबल्स, तो आपको लेबल बनाना है, तो आपको क्या करना है, जैसे इस पहले इनपुट बॉक्स को लेबल बनाते हैं, जिसके ऊपर हम एक लेबल यहाँ पे टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। और लेबल के अंदर यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे, जैसे ये हो गया बेसिकली ईमेल के लिए हो जाएगा। तो ये मैंने लेबल बना दिया, मैं इसको सेव करूँगा और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल है, लेबल बन चुका है। इसी तरीके से मैं पासवर्ड के लिए भी बना सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा
सिंपल। और यहाँ पे जो ये दूसरा पासवर्ड के लिए इनपुट बॉक्स है, इसके ऊपर मैं एक लेबल बना दूंगा और यहाँ पर मैं पासवर्ड बना दूंगा, पासवर्ड। ऑलराइट, इसको मैं रिफ्रेश करके बताऊंगा तो देख सकते हैं ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे बन चुका है काफ़ी लॉगिन आईडी के लिए। अब इसमें वो प्लेस होल्डर बोलते हैं, उनको प्लेस होल्डर भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा रहता है कि एंटर योर ईमेल आईडी और एंटर योर पासवर्ड, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना इसके अंदर, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड। तो ये बेसिकली इनको बोलते हैं प्लेस होल्डर, तो वो एचटीएमएल का पार्ट हो जाता है, बाकी जो होता है एचटीएमएल का पार्ट है। तो फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ, प्लेस होल्डर यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर योर ईमेल, योर ईमेल, और यहाँ पे भी मैं प्लेस होल्डर लगा सकता हूँ। प्लेस होल्डर में हम लिख सकते हैं एंटर पासवर्ड, ठीक है, PASWORD, सेव किया। और मैं इसको रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल एक बटन बना सकते हैं, तो हमें यहाँ पे बटन बनाना है, तो बटन भी अभी हमने सीखा था बटन कैसे बनाना है आपको, यहाँ पे हमें बटन बनाना है अगेन, तो सिंपल मुझे बटन ही बनाना होगा, इसकी टाइप बटन हो जाएगी। और यहाँ पे इसकी क्लास हम क्या लिखेंगे, क्लास यहाँ पे किस कलर का बना, जैसे BTN क्लास होगा, BTN और BTN, लेट्स से मैं प्राइमरी कलर, या फिर यहाँ पे सक्सेस जो भी हो आप यहाँ पे बना सकते हैं, सक्सेस मैंने लिया, तो ये बटन हो चुका है, ठीक है। क्या किया आपने, बटन बनाया, उसकी क्लास अप्लाई कर दी, बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गया, और इस बटन के अंदर जैसे मैं लिख सकता हूँ, लेट्स से लॉगिन, ये वो है जो बटन के ऊपर टेक्स्ट दिखता है वो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो लॉगिन। और मैं इसको यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे इनपुट फॉर्म बन गया, एक तरीके से इनपुट फॉर्म बन गया, एंटर योर ईमेल, लेट्स से कुछ भी, एंटर योर पासवर्ड और लॉगिन। जैसे लॉगिन पे करेंगे तो आगे क्या करना है वो यहाँ पे आप बना सकते हैं। सो कितना अच्छा यहाँ पे फॉर्म आप कितनी आसानी से बना सकते हैं, कुछ लाइंस लिखने थे यहाँ पे इनपुट फॉर्म बना सकते हैं, वरना HTML बनाओगे तो पहले HTML लिखो, फिर उसको CSS करो, कलर वगैरह चेंज करने के लिए CSS अप्लाई करो, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, कुछ भी CSS नहीं है बेसिकली, बूटस्ट्रैप क्या है, CSS ही तो है, बनी बनाई आपको क्लास मिल गई, उस क्लास को यूज़ करो और अपना काम खत्म। तो कहने का मतलब है आप यहाँ पे इस तरीके से बूटस्ट्रैप को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कुछ आपको चाहिए सिंपल गूगल पे सर्च कीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमने मेन मेन चीज़ें पढ़ी थी, बटन्स पढ़ लिया, यहाँ पे कैरोजल आप देख सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज आपको बनाना है, फॉर्म यहाँ पे हमने पढ़ लिया है, फॉर्म में अलग अलग जैसे इनपुट बॉक्स है, जंबोट्रेन है, लिस्ट बनाना है आपको, नेव बार बनाना है, ये कैसे बना सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाने, तो मैं ड्रॉप डाउन पे जाऊँगा, बूटस्ट्रैप में सर्च कर सकता हूँ ड्रॉप डाउन इन बूटस्ट्रैप, यहाँ पे ओपन कीजिए, यहाँ देख सकते हैं अलग अलग ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं, ये सारे यहाँ पे आपको गिवन है, इस तरीके से आप आराम से बना सकते हैं। नेव बार है ऊपर जो हेडर फुटर, इसको नेव बोलते हैं, ये आप बनाते हैं बेसिकली, ये आप बूटस्ट्रैप में बने बनाए होते हैं वो बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेव ये बोलते हैं इनको नेव बार, ये नेव बार है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ सर्च कर सकते हैं नेव बार इन बूटस्ट्रैप, तो आप देख सकते हैं ये सारी थ्योरी यहाँ पे गिवन है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोड गिवन है, जैसे देख सकते हैं आपको नेव बार बनाना है तो किस तरीके का नया बार बनाना है, वो सारे यहाँ पे गिवन है, पूरा कोड के साथ है, आपको समझना है, यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये नया बार है, ये बना बना है, आपको इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, यहाँ क्या करना है आपको सिंपल इसको समझना है, कॉपी करना है और ये डेट्स इट, पूरा पढ़े आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मुझे सारा यहाँ पे बताकर टाइम वेस्ट करने के बेहतर है कि मैं आपको ये बता दूँ कि आप कैसे बूटस्ट्रैप का यूज़ करके कैसे ऑनलाइन कोड लेके इन सबको बना सकते हो, ताकि हम इसका टाइम को बचा के आगे हम एग्जांपल्स साइट बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, पेजेस बनाएंगे, वहाँ पे आपको मैं अच्छे से और समझा सकूँ। अब इनको मैं बताऊंगा उससे कोई मतलब नहीं है, आपको भी समझ आ चुका हो कितना आसान है ये सब करना, आपको ये बताना है इस तरीके से आपको ये बनाना है नया, तो इस तरीके से कोड गिवन है यहाँ पे। अब इनके आप पढ़ोगे तो पूरा समझ आ जाएगा, कलर चेंज कर सकते हैं, ये डार्क है पहला, ये दूसरा है जो प्राइमरी है, बीजी प्राइमरी मतलब बैकग्राउंड प्राइमरी है, बैकग्राउंड डार्क है, और कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से बैकग्राउंड अपने मनपसंद का कलर दे सकते हैं, कलर कोड दे सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, इसमें बूटस्ट्रैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ आपको मैंने बटन्स बनाए, मैंने ग्रिड सिस्टम बताया, मैंने फॉर्म्स बनाए, बटन बना के बताएं, और फिर मैंने ये बता दिया किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोड तो सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वेब डेवलपमेंट में सारा कुछ ऑनलाइन है, इट्स लाइक ए ओपन बुक एग्ज़ाम।
जैसे आपके सामने बुक है, ओपन है, आपको एग्ज़ाम देना है, इसी तरीके से आपके सामने गूगल ओपन है, सब कुछ आपके साथ है, आपको बस ये समझना है कि उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, और वो मैंने आपको बता दिया कि बूटस्ट्रैप को किस तरीके से अप्लाई करना है। अब हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, तो मैं आपको धीरे धीरे अब मैं वेबसाइट्स बनाऊँगा, एग्जाम्पल्स पेजेस बना के बताऊँगा आपको, तो आपको और अच्छे से इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे HTML CSS और बूटस्ट्रैप को थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लिया है, मीन्स अब हम यहाँ पे पेज बना सकते हैं, अब हम यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हैं, अब हम यहाँ पे अच्छा खासा फ्रंट एंड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रंट एंड के लिए मेनली ये यूज होता है HTML CSS और बूटस्ट्रैप, इनका यूज़ करके आप काफ़ी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे पेजेस बना सकते हैं। सो अब मैं आपको यही करूँगा कि यहाँ पे कुछ पेजेस बना के बताऊँगा, फिर आपको पेजेस को मिला के वेबसाइट्स बना के बताऊंगा, काफ़ी सारे एग्जांपल्स करेंगे, तो आपको जो सीखा है इसको अप्लाई करना आएगा, आपको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा यहाँ पे। सो इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।